हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टी स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में लगभग 1420 रुपए के आसपास हमने इसमें खरीदारी के लिए कहा था और स्टॉक में जो टारगेट दिया था वो 1670 रुपए के आसपास का टारगेट दिया था और शायद स्टॉक ने वो अचीव भी किया है। जाकर के आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे अगले मूवमेंट पर स्टॉक के। तो और हमने एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मंडे से हम सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उन स्टॉक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जिन पर ट्रेडिंग डे में मूवमेंट हो सकता है। तो बने रहिए, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टॉक का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट आपको नजर आ रहा है 1590 रुपए के आसपास, 80 के, ठीक है, 1580 पर सपोर्ट है। और उसके बाद अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस भी किया है 78 रुपए के आसपास, 1678 का, लेकिन 1720 रुपए के आसपास 1710 पर एक रेजिस्टेंस भी है स्टॉक का। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, इसमें मेरे हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट्स मैं आपके लिए बता दूं तो अभी 1710 का पहला टारगेट है, छोटा टारगेट है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म थोड़ा सा बड़े टारगेट की बात करूं तो 2000 रुपए तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए और पैसा बनाना चाहिए। सपोर्ट जो अहम है इसको मेंटेन करके चले, 1581 रुपए का सपोर्ट है। और इधर जो आप RSI देख रहे हैं, RSI ने 60 पे सपोर्ट लिया है, इसका मतलब स्टॉक चलने वाला है ऊपर की तरफ। तो मेरे हिसाब से आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं और टारगेट, पहला टारगेट 1710 और दूसरा टारगेट 2000 रुपए तक का लेकर के आप चल सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।